लोगों की खून पसीने की कमाई के साथ कश्मीर के दो बैंक कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की, यानी उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया। आज क्राइम ब्रांच कश्मीर ने उन दोनों को हिरासत में लिया और उन दोनों पर एफआईआर के साथ साथ बाकी मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। कभी आपने सोचा है कि आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं, अगर मैनेजर या क्लर्क ही आपके पैसों के साथ धोखा करे, वही नकली कागजात तैयार कर आप लोगों के पैसों को ही हेरा फेरी करे, तो क्या हो सकता है? वो मालामाल हो सकता है धोखाधड़ी कर उसके 4 दिन तो गुजारे से निकल जाएंगे, लेकिन कभी उन लोगों ने सोचा जो पैसा डिपॉजिट करवाने गए कि उनके पैसे के साथ बैंक में क्या होता है? लेकिन हालांकि हमें अपने कानून पर विश्वास रखना चाहिए। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने चार्जशीट दायर की है दो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पैसे के साथ गबन किया और झूठ बोलकर लोगों का पैसा जो है उसमें हेरा फेरी की। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने आज दो बैंक कर्मचारियों को पकड़ा। इस बैंक कर्मचारी का जो नाम है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले बता दें ये बारामूला का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, जिसमें दो कर्मचारियों पर एक तो झूठ बोलना, ऊपर से आपके पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करना और एक बड़े अमाउंट में पब्लिक के पैसे को गलत तरह से इस्तेमाल करना और गलत तरह से चीजों में लगाना। आपको बता दें कि ये क्राइम ब्रांच कश्मीर ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग श्रीनगर को ये केस दिया, जिसमें एफआईआर नंबर 23 ऑफ 2016, क्योंकि ये केस जो है वो 2016 में दायर किया गया था। और सबसे पहले आप ये जान लें कि अब ये केस जो है वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ये चार्जशीट दायर की जाएगी। बांडीपुरा का रहने वाला अब्दुल रजाक, जो बैंक मैनेजर था BCCB ब्रांच हाजीन में, गुलाम अहमद शाह जो क्लर्क था BCCB ब्रांच हाजीन में, और सबसे पहले आपको ये बता दें कि इन दोनों ने संगीन अपराध किया, अब इन्हें सजा मिलेगी और इनके खिलाफ अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 409, 120B एंड 201 RPC के तहत पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आप सुने इन लोगों ने किया क्या। बैंक मैनेजर बहुत पढ़ा लिखा था, उसने जो है क्लर्क को भी बीच में घुसा लिया कि हम दोनों ही यहाँ पर देख रेख करते हैं, हम दोनों ही हर एक काम तैयार करते हैं, तुम कैशियर हो, मैं मैनेजर हूँ, मेरे साइन से बहुत कुछ हो जाता है, तो क्यों ना एक बड़ा फ्रॉड किया जाए। तो इस बड़ा फ्रॉड करने के चक्कर में लोगों के पैसों के साथ हेराफेरी की। 2016 में इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन आज 2023 में जो है अब इनकी चार्जशीट दायर की जाएगी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये शिकायत 2016 में पता चली कि दो बैंक कर्मचारी हैं बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, जो क्या करते हैं लोगों के पैसों के साथ हेराफेरी करते हैं और ऊपर से झूठ बोलते हैं कि आप पैसा जमा करवाने आए ही नहीं है। बहुत ज्यादा अमाउंट में इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और ये केस 2016 में जो है पहुंचा था कहां पर, आपको ये भी बता दें कि रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब्दुल राजिक वानी का पता चला कि जो मैनेजर है और उनके साथ जो क्लर्क है गुलाम अहमद शाह, ये दोनों इम्प्लॉयज बैंक में जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं और जो पैसे डिपॉजिट करवाने आते हैं उनके पैसे कभी डिपॉजिट करते ही नहीं है, उसे अपने जाती मुफाद के लिए रखते हैं और रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और बहुत ज्यादा इन्होंने छेड़छाड़ जो है रिकॉर्ड्स के साथ की है। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने जो है मुकदमा दर्ज करते हुए इनकी चार्जशीट को कोर्ट के सामने दायर करना है, क्योंकि 2016 का ये केस है जिसमें अब इन्हें सजा मिलेगी 420, 468, 471, 409, 120B एंड 201 RPC के तहत। अब जो है कोर्ट के सामने इनका केस रखा जाएगा और कोर्ट जो है इन्हें सजा क्या देता है वो देखने वाली बात है। हालांकि अभी ये जेल की सलाखों के पीछे ये छूटे नहीं वाले, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिस बैंक पर आप इतना भरोसा करते हैं वो बैंक आपसे पैसे भी लेता है, आपके खाते में पैसे नहीं डालता, जब आप शिकायत करते हैं तब कहता है कि आपने पैसे दिए ही नहीं है। देखिए क्या जमाना आ गया है, लोग कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं, किस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं कि किसी को कोई यकीन भी ना हो, और सरकारी कर्मचारी जो सरकार से मोटी ताजी तनख्वाह लेते हैं। इस खबर के लिए आप अपनी राय को जम्बो लटा न्यूज के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इनको क्या सजा मिले उसके बारे में भी आप अपने व्यूज दे सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जम्बो लटा न्यूज देखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करिएगा।